on. This is Facebook. Okay. Hey people, हम आज live हैं अरमान मलिक के साथ. अच्छा doubt था कि मेरे साथ ये live. So we're live now on Instagram and Facebook on T Series' handle. So we're celebrating the amazing response to Toote Khwab. Thank you for giving so much love इस गाने को. और अभी अभी मैंने दो शहरों में प्रमोशन टूर किया है इस गाने का, कानपुर में, गाजियाबाद में, एंड नाउ आई एम इन दिल्ली एंड आई एम मीटिंग अ फ्यू ऑफ माय फैंस हियर एंड इंटरैक्टिंग विद द अमेजिंग मीडिया हियर. आई एम सुपर हैप्पी फॉर द सॉन्ग. लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग. व्हाट कमेंट्स, क्या कमेंट्स आ रहे हैं? अभी तो सब हाई कर रहे हैं आपको और कंग्रेचुलेट कर रहे हैं सॉन्ग्स के लिए. आप टूटे खाब इज रॉकिंग, जस्ट रॉकिंग. So, कुछ lines. Okay, let's go for it. Guitar यहाँ पे ही पड़ा हुआ, so I'm all ready to sing songs for all my fans who are coming live. ऐसे क्यों बदल गया, क्या कोई है मिल गया, दिल पूछता है क्या कहूँ, टूटे टूटे खाबा विच रिश्ता say. You have a magical voice, huh? Thank you so much. It's a fan moment for me too. Okay, so what is Toote Khwab is all about for you? For me, a lot of fans ask me ki is Toote Khwab about you or your real life, ya aapka sachi mein breakup hua hai, jo aapne ek breakup song nikala hai. And my answer to all of that is that no, I've not experienced a breakup. Lekin मेरे अराउंड जो लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो यूथ है, दैट आई एम यू नो नोटिसिंग हाउ दे आर हैंडलिंग रिलेशनशिप्स, कैसे उनके यू नो एक दिन प्यार है, नेक्स्ट दिन ब्रेकअप है, यू नो लॉट ऑफ दिस इज हैपनिंग इन आर जनरेशन. एंड व्हाट्सएप पे ब्लॉक करना, मैसेजेस पढ़ना लेकिन रिप्लाई नहीं करना, ये सब जो एलिमेंट्स थे, ये सब जो कॉन्सेप्ट था इस वीडियो का, आई वॉन्टेड टू इंक्लूड व्हाट हैपन्स टुडे एक्चुअली in this generation. So I think wo main concept tha Toote Khwab ke piche. Mera koi khwab nahi toota iske banane mein, lekin mere jo ultimate jo goal hai, jo ultimate khwab hai, usko pura karne ke liye aap sabka jo support mila hai is gaane ke liye, I think that is what is brilliant. So thank you for all the love to all the fans who have heard the song and seen the video. And you know what, Arman, now you're a love guru. Because basically, अच्छा लोग मुझे प्यार से बाबा AM कहलाते हैं, क्योंकि मैं बहुत मोटिवेशन देता हूँ, नॉट ओनली लव के बारे में बट लाइफ के बारे में ऑल्सो. बट लव गुरु, ये तो नया टाइटल मिला मुझे आपसे. नहीं, आपके फैंस भी आपको लव गुरु कह रहे हैं, बिकॉज फ्रॉम ऑल लव सॉन्ग्स टू दिस इज योर फर्स्ट ब्रेकअप सॉन्ग. दिस इज माई फर्स्ट ब्रेकअप सॉन्ग, क्योंकि मेरा क्या थिंकिंग था कि नो हर दिन अच्छा नहीं होता है लव में. थोड़े दिन सैडनेस के भी होते हैं और कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हार्ट ब्रेक होता है, ब्रेकअप्स होते हैं. तो लव इन लव वाले जो गाने हैं, जो रोमांटिक गाने हैं, वो सब तो गा लिए मैंने. मैंने सोचा ब्रेकअप का एक गाना नहीं किया तो वो कर लेता हूँ मैं. और आपका लव, हाँ क्या कहना चाहते हो बताओ भाई. जो आगे पीछे की बातें मत करो, सीधा पूछ लो. जो यू हैव अ गर्लफ्रेंड, हाँ. You have a I didn't hear you properly. See, I with my personal life I'm very private. Yeah. इसलिए उसे personal कहते हैं, personal life कहते हैं, क्योंकि वो आपकी personal चीज है. तो मैं वो ज्यादा किसी को बताता नहीं हूँ क्या है वो सब चीजें. आपने पूछा है लेकिन you won't get an answer for it. इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलेगा. हाँ, वो female fans का दिल नहीं तोड़ेंगे ना. अभी उस रीजन से नहीं, मैं सोचता हूँ कि एक सेलिब्रिटी के लाइफ में एनीवेज सब कुछ पब्लिक रहता है, तो कुछ ना कुछ तो हमारा भी तो रहना चाहिए ना. राइट. अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको क्रेजी करती है, आई मीन यू आर पैशनेट अबाउट? सी, म्यूजिक के अलावा, म्यूजिक तो आप सब जानते हो कि मैं बहुत पैशनेट हूँ उसके बारे में. लेकिन म्यूजिक के अलावा आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फूड. और ये लाइफ खत्म होने के बाद हमने बहुत इंटरेस्टिंग खाना मंगाया, तो वो उसकी पिक्चर्स अपलोड करूंगा मैं. आई एम अ बिग फूडी एंड अगर एक म्यूजिशियन नहीं होता तो मैं डेफिनेटली एक शेफ होता. वाओ. और इंस्टाग्राम पे तो आप ऑलवेज एक्टिव रहते हैं. हाँ, ऑलवेज.
मेरी मॉम को पता चल जाता है कि मैं सुबह उठ गया हूँ जब मेरी एक सेल्फी जाती है मेरी स्टोरी पे, तो उनको पता चल जाता है हाँ अरमान उठ गया है। ग्रेट, व्हाट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग और वियर्ड थिंग जो अभी तक आपने की हो कुछ ऐसा? मैं एम्बैरेसिंग चीजें करता नहीं हूँ। मैं बहुत मतलब रूल्स में रहने वाला बंदा हूँ। आई डोंट आई एम नॉट गाय हु यू नो ब्रेक्स रूल्स और डज क्रेजी थिंग्स, बट एम्बैरेस हाँ एम्बैरेसिंग चीजें नहीं। Coming back to the Toote Khwab, it looks beautiful. The video looking very beautiful. So what about the shooting? Where was it all done? So the song was shot in Armenia. It's a place between Europe and Asia. And bahut hi beautiful jagah hai. It's an amazing location. There was a lake called Lake Sevan, jiske upar hum log ne kafi jo shots hain wo liye. And just the whole scenery just adds to the emotion of the video. And आई थिंक ऐसे अनएक्सप्लोर्ड जगहों को ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए थ्रू म्यूजिक वीडियोज एंड थ्रू ऑल दिस स्टफ। सो आई एम ग्लैड दैट इस म्यूजिक वीडियो के जरिए मुझे एक नया जो एक जगह है वो देखने को मिला। So there are so many people involved while making one track, right? Yes. In this video also we are seeing beautiful locations, beautiful crew, cast, everything is perfect. Yeah. So how many days prior did you start working on this preparing particular for track? The song? Yeah. I think a month before the shoot the preparations had started. Shabby Singh, who's the director of the video, I really loved working with him. I think he's a fabulous guy. And उन्होंने एक video किया था तेरा शहर करके, which was a music video जिसका music अमल ने दिया था and मनोज मुंतशी ने lyrics लिखे थे। मैंने जब वो video देखा तो मुझे बहुत emotions connect हुए and I immediately told Bhushan ji कि you know I think we should you know consider Shabby for the music video for Toote Khwab, and he came on board and you know मैंने उनका मेरा जो vision है इस गाने के लिए वो explain किया। Almost 80-90% of the concept of the song was something that I had thought of, लेकिन वो जो एक winning end होता है वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इस video को end कैसे करे। Thought basic concept तो है लेकिन how do we end this video? And Shabby Paji you know added this one thing of the breakup tour at the end of the video, कि you know बंदा breakup के बाद वो sadness में नहीं चले जा रहा है, वो उस sadness को अपने म्यूजिक में डाल के उसे एक करियर बना के एंड मेकिंग इट अ बिग सक्सेस ही इज मूव्ड ऑन एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड टू शो एंड दैट्स द मैसेज वी हैव गिवन थ्रू द वीडियो।